हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको आप गॉस भी बोल सकते हो, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यानी कि गॉस का जो डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हम इसका थ्योरम पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई पूछ ले कि हाँ वाकई में गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। कि आप ऐसे सीधे अगर बोलना चाहो तो सीधे आपको ये कहते हो कि ये थ्योरम क्या करता है, किसी वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है, ठीक। ये इंटीग्रेशन का साइन है आपका। नॉर्मल अगर आपको इंटरव्यू में सीधा ही पूछ ले दोस्तों, इंटरव्यू या फिर कोई भी आपका वाइवा लिया जाए, आपको ये पूछे कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, तो आप क्या कहोगे कि गॉस थ्योरम क्या करता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी कि आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में क्या करता है, दोनों में दोस्तों रिलेट करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसका वाकई में इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक या आपका कोई भी एक वॉल्यूम है, ठीक है, मान लिया आपका ये कोई वॉल्यूम वी है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम से अगर मान लीजिए कोई आपका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी एक फील्ड ए है, ठीक है, ये कोई भी एक फील्ड सदिश, मतलब ये वेक्टर फील्ड है ना। तो अगर इससे ये वेक्टर फील्ड निकल रहा है और अगर इसका मतलब ये वेक्टर फील्ड बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ इस फील्ड का डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कोई भी फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका डाइवर्जेंस, ये एक डाइवर्जेंस हो गया, तो अगर इस डाइवर्जेंस का मेरे दोस्तों वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया जाए, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर इस डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिया जाए तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा कि इस पूरे सरफेस से बद्ध, इस पूरे सरफेस से बद्ध उसी फील्ड का, पूरे सरफेस से बद्ध उसी फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से हम बोलते हैं कि किसी भी वॉल्यूम के लिए या किसी आयतन के लिए किसी फील्ड के डाइवर्जेंस का अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाला जाए, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसी पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, किसी वॉल्यूम से बद्ध कोई पृष्ठ है, किसी वॉल्यूम से बद्ध कोई पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के जो भी इस पृष्ठ से आपका फील्ड निकल रहा है, उस फील्ड के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने एक अच्छे से डेफिनेशन लिखी हुई कि देखिए, किसी आयतन के लिए सदिश क्षेत्र ए के डाइवर्जेंस, ये आपका कोई आयतन है, ठीक है, इस आयतन के लिए किसी सदिश क्षेत्र ए, इसका हमने डाइवर्जेंस निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिए, सदिश क्षेत्र एक का डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन, यानी ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ये आयतन समाकलन उस आयतन से बद्ध, ये पूरा आयतन है, ये पूरा आयतन है, इस आयतन से बद्ध किसी पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ है, इस आयतन के अंदर जो बद्ध पूरा पृष्ठ है, उस पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्र ए, सदिश क्षेत्र ए के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। इसी को हम यहां पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि ये आपका डेल डॉट ए डी वी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन, और यहां पर इंक्लोज्ड, ये मतलब बद्ध आयतन के लिए, ठीक है, इस बद्ध आयतन के लिए क्या किया हमने, ये सरफेस इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। ये साइन क्या होता है दोस्तों कि ये इंटीग्रेशन है, अगर इस इंटीग्रेशन में मैंने एक डॉट बोला बना दिया तो क्या हो गया, ये किसी बद्ध आयतन के लिए सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी फील्ड के सरफेस इंटीग्रेशन के
बराबर होता है, या आपका गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स में क्या लिख रखा है कि यहाँ पर तीन इंटीग्रेशन लगाई है, फिर यहाँ पर डेल डॉट ए डी। तो मेरे दोस्तों बुक में लगा रखा है, ठीक है सही है, लेकिन अगर आपने डी वी लगा दिया, इसका मतलब आप देखते हो कि इस डी वी के अंदर डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, यानी कि इसके अंदर एक्स के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन है, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में भी है। तो अगर आप इन तीन इंटीग्रेशन की जगह एक भी लगाओगे ना तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ सरफेस के लिए भी दो इंटीग्रेशन होते हैं लेकिन यहाँ पर एक चलता है। ठीक है, ये आपका हो गया, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसका दोस्तों क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ किस प्रकार से देखेंगे, इसको हम अभी मिटा देते हैं। देखिए, इसका प्रूफ देखने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि हम गॉस प्रमेय से आता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या था कि हमने अभी तो गॉस का प्रमेय आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें नॉर्मल में तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या था। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गॉस का प्रमेय यह था कि सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस निकाल ले तो वो किसके इक्वल होता है कि उस पृष्ठ के अंदर जितने भी चार्ज है तथा उसका जो डिवाइड बाय करें कि उस जो आपका माध्यम है, माध्यम का प्राविद्युतांक से, तो वो इसके बराबर होता है। लेकिन यहां पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, सीधा यहां से हम एक रिलेशन यूज करते हैं। तो हम ये कैसे आता है वो तो मैं हम अगले लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे आता है, क्योंकि मेरे दोस्तों गॉस का प्रमेय जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर उसका जो लाइन इंटीग्रेशन है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में एक रिलेशन आएगा, तो वहीं से हम आएंगे। तो क्या होता है वो दोस्तों, वो होता है आपका डेल डॉट ए इक्वल्स टू लिमिट डेल वी ट्रेड टू जीरो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी वी, या फिर इसको डेल वी भी लिख सकते हैं ना, ये आपका डेल वी। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन आता है। ठीक है, वो कैसे आता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इसमें रिलेशन से, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, यहां पर सीधा हम इसका यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस पूरे वॉल्यूम को लिमिट के साथ इधर लेके आते हैं, तो आपका ये हो जाएगा लिमिट डेल वी टेंड टू जीरो डेल डॉट ए डी वी इक्वल्स टू ए डॉट डी एस। ठीक है, देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपका डेल वी टेंड टू जीरो, कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है जीरो के पास में, लेकिन मेरे दोस्त ये फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि आपका एक एटम है, वो एटम दिखता ही नहीं है, फिर भी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस न जाने क्या क्या मान लिए, तो इस वॉल्यूम को तो बिल्कुल एक पॉइंट आपका वॉल्यूम है, तो इसको तो हम जीरो मान सकते हैं ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है, जैसे हमने ये पूरा वॉल्यूम मान लिया, ठीक है, तो इसके पॉइंट से जितना निकल रहा है फील्ड, उसका आपको क्या करना, उसके लिए ये डाइवर्जेंस निकाल रहा है। तो अगर मुझे पूरे का निकालना है, पूरे ही इस वॉल्यूम का निकालना है वी के लिए, तो मेरे दोस्त मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। ठीक, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डेल डॉट ए डी वी इक्वल्स टू इंक्लोज्ड ए डॉट डी एस, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर दिया, और अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, ये कैसे आया वो देखने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा अच्छा लग गया, पूरा समझ में आ गया, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।